आ चुका है जो आपके आने वाले कल को सुनहरा बनाएगा। आइए बात करते हैं कि अगर प्लॉट लेना हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ करें। तो भैया बात यह है कि जिस जगह डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, गवर्नमेंट सपोर्ट हो, तो ऐसी एक जगह है जो मैं आपको बता सकता हूँ, और वो है धौलेरा। धौलेरा SIR गुजरात सरकार और पूरे विश्व का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। धौलेरा SIR 360 चौरस किलोमीटर के विशाल भूस्थल पर आकार लेने वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 5400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का अंदाजा लगाया गया है, और हाल ही में हुए वाइब्रेंट 2013 में काफी इंडस्ट्रीज के MOU मिला के वो राशि 24,000 करोड़ तक की पहुंच चुकी है। धौलेरा SIR में इंडस्ट्रीज का विकास होगा, जहां दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेट्रो रेल आएगी। उसके अलावा पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। यहां दहेज से भावनगर तक का 64 किलोमीटर लंबा सी लिंक भी आकार लेगा। यहां पे कल्पसर जैसी योजनाएं एवं परियोजनाएं आकार लेंगी। यहां पे IBM, सिस्को, हेल्क्रो जैसी इंटरनेशनल कंपनी और HCC, अदानी, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग धौलेरा के बारे में क्या कहते हैं। रियल एस्टेट सब्सिडियरी महिंद्रा लाइफ स्पेस, द पायनियर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिटीज अंडर द ब्रांड महिंद्रा वर्ल्ड सिटीज, इज साइनिंग 2 MOUs, वन फॉर अ 3000 एकर डेवलपमेंट इन द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ऑफ धौलेरा। This will create over 100,000 jobs and attract investments in excess of 10,000 crores. Encouraged by the extraordinary work and the amount of support that you get from the Gujarat government and its bureaucracy and its technocrats, we have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dholera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 3,300 megawatt at Bhadreshwar, Kutch, 2,600 megawatt at Dahej and 4,000 megawatt at Dholera SIR. अब बात करते हैं कि धौलेरा में सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा है, ऐसी कौन सी जगह है जिसमें आपका इन क्योंकि जो एंट्रेंस आ रहा है ना, जो धौलेरा सर का, वो नहीं बड़ी बिल्डिंग जो उससे 3 और 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से वो एंट्रेंस होगा 8 किलोमीटर। जो ABC बिल्डिंग है वो ही ना? नहीं ABC नहीं, एंट्रेंस जो बनता है ना वो। गुजरात के धौलेरा में बन रहा है मोदी का पहला स्मार्ट शहर, जो जल्द ही कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है इस शहर की खासियत। ये तैयारी है मोदी के सपने को परवाज देने की। वो सपना जो 100 स्मार्ट सिटी की कड़ी में पहला शहर बनने जा रहा है, जहां हर वो सहूलियत मौजूद होगी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। ये अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले शहर धौलेरा की तस्वीरें हैं। प्रोजेक्ट का नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी गिफ्ट, और सच पूछिए तो ये किसी तोहफे से कम थोड़े ही है। आप तो बस सुविधा का नाम लीजिए, धौलेरा जिन की तरह उस सुविधा को आपके सामने हाजिर कर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा विमान है एयरबस A380, जिसे उतारने के लिए भारत के कई एयरपोर्ट को खास इंतजाम करने पड़े, लेकिन धौलेरा में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वहाँ A380 जैसे विमानों की उड़ान कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दबाव भी कम कर सकेगा। एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए आपको लगेगा बेहद कम समय, क्योंकि हाजिर है सपनीली सड़क, यानी कई लेन वाला एक्सप्रेसवे, जो आपको बिना किसी रुकावट के सीधे पहुंचा देगा एयरपोर्ट।
यानी समय की पूरी बचत। ये रफ्तार का हाईवे है जहां एक साथ हजारों गाड़ियां पर्राटा भर सकती हैं, वो भी पूरी शान से। धोलेरा में मेडिकल केयर अव्वल दर्जे की होगी। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स की छत पर मेडिकल एम्बुलेंस उतारने की सुविधा भी होगी। ये हॉस्पिटल हर उस फैसिलिटी से लैस होंगे जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हो। धोलेरा को एक पोर्ट सिटी के तौर पर भी डेवलप किया जाएगा जहां एक बड़ा बंदरगाह बनाने की तैयारी है। अपने शहरों में हम हर छोटी बड़ी केबल डालने के लिए खुदाई देखने के आदि हो चुके हैं, लेकिन धोलेरा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां सड़कें हमेशा चमचमाती दिखेंगी क्योंकि पहले से ही प्लानिंग के साथ सड़कों के नीचे बिछाया जा रहा है यूटिलिटी केबलिंग का जाल। बड़े बड़े पाइपों से होकर ये केबल गुजरेंगी जिन्हें इस तरह बिछाया जा रहा है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी मिलेगा, यानी अगर कहीं कोई खराबी आती है तो उसे बेसमेंट में बने चैम्बर में उतरकर दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये यूटिलिटी टनल कई किलोमीटर में फैली होगी। धोलेरा का 60% हिस्सा खुला रखने की योजना है, यानी आधे से भी कम शहर में निर्माण दिखेगा। यहाँ हमारे चारों को हम लोगों ने ऐसे टैकल किया है कि पहला यहाँ 60% स्पेस हम लोग ओपन स्पेस कर रहे हैं जिसमें ग्रीनरी रहेगा, इन्वायरमेंट नेचुरली अच्छा हो जाएगा, वाटर बॉडी है, फाउंटेन है। अभी यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ड्राई क्लाइमेट है इसलिए हम लोग उसको मॉइस्चर इन्वायरमेंट में डालना चाहते हैं। वो लार्ज फाउंटेन से होगा, ये बड़े बड़े ट्रीज लगाने से होंगे।